खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, मेयर हरिकांत अहलुवालिया और कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की, जहां उन्होंने मेरठ की सीट पर चौथी बार हैट्रिक लगाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि महानगर की जनता अपार विश्वास और प्यार के साथ में अरुण गोविल पर भरोसा जता रही है। और इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरठ में आज तीन दिग्गज आए और गरज कर चले गए। फिलहाल किसकी कितनी हवा, और उसी बीच अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का रोड शो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो कितना प्रभावी रहा है। फिलहाल हमारे साथ ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र भाई। सोमेंद्र भाई, क्या कहना है, मुख्यमंत्री का रोड शो कितना प्रभावशाली? देखिए, आप शुरू से ही रोड शो में हैं, ये मेरठ की क्रांति धारा का प्यार है अपने नेता के प्रति, मोदी जी की नीतियों और रीतियों के प्रति, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यशैली है उसके प्रति ये लोगों का प्यार है। आपने देखा होगा, सभी जाति सभी धर्मों के लोग आज उत्तर प्रदेश के सच्चे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रत्याशी अरुण गोविल के समर्थन में उनके यहाँ पर आने पर जिस तरह का उत्साह आपको दिखाई दिया, ये बयां करता है कि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, और रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ सीट को जीतेगी। पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती गरजती हुई नजर आई थी, उन्होंने जमकर के भाजपा पर निशाना साधा है, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने जा रही है? देखिए, मैं मायावती जी बड़ी नेता हैं, उनका अपना कैडर वोट है, मायावती जी को समय समय पर उन्होंने अपने आप को साबित किया है, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि समाजवादी पार्टी से जिस तरह का प्रत्याशी सामने है, जो उन्हें खुद विश्वासघात देकर यहाँ अब समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, ये मेरठ की जनता जान चुकी है। मेरठ की जनता का आशीर्वाद मोदी जी की और योगी जी की नीतियों के साथ है, उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, हम विश्वगुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रोड शो के बाद क्या लगता है कि जो विपक्षी है उनकी नींद उड़ाने का काम किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना काम करता है, हमारे लिए राष्ट्र पहले है, उस राष्ट्र की आराधना के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमें खुशी इस बात की है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्वगुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, और यही कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है।